नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ वह कि ये अभी जाड़े का समय है, इतनी ठंड है, पौधे को हमें जाड़े से बचानी है। साथ ही अभी देखो बारिश भी जगह जगह काफ़ी बारिश हो रही है, उसी को मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। हालांकि पानी अब निकल गए हैं लेकिन पौधे की हालत इस तरह की हो गई है, सारे पौधे फूल सारे के सारे इस तरह से झुके हुए हैं। और यहाँ कुंडों का जो फ्लावर है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे के सारे ज़मीन पर बिछ गए हैं, क्योंकि बरसात में ये सारे नीचे की तरफ गिर के आ गए हैं। आप देख रहे होंगे सारे पौधे। और यहाँ आप देखो, मैंने अपने सकुलेंट और कैक्टस को झूले के नीचे छुपा कर रखी हुई है, क्योंकि ये सब बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही सारे पौधे धुल गए हैं तो देखने में खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो ये देखने में मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो, आपकी भी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि ओवरव्यू दो, तो आज इसी का ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि किस तरह से ये फूल जो है पौधे हैं धुलने के बाद खूबसूरत तो लग रहे हैं लेकिन सारे के सारे फूल इनके नीचे की तरफ बिछ गए हुए हैं। दोस्तों, बरसात पौधे के लिए बहुत खुशी वाली चीज़ होती है, इन्हें भरपूर पानी मिल जाता है, लेकिन गार्डेनर को थोड़ी परेशानी हो जाती है। आप नीचे देखोगे कितनी गंदगी फैल गई है, ये सब को साफ करने होंगे। साथ ही बहुत सारे पौधे आपको ज़मीन पर सोए हुए मिलेंगे तो उन्हें भी ठीक करने होंगे। अभी गुलदावरी अभी खिलने ही जा रहा था, इसी बीच इसको बहुत सारे बारिश का पानी झेलना पड़ा है। तो इस तरह से आप अभी देख रहे होंगे कि मेरे गार्डन की हालत बहुत पतली हो गई हुई है। इसमें मैं आपको गुजारते हुए लेकर चलूँगी, हर पौधे के तरफ से आपको दिखाते हुए। धुलने के बाद ये ऐसे तो बीच में हम लोग धोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं अपने पौधे को, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी से सफाई नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छी से बारिश इसकी सफाई कर जाती है। ये जो कटिंग से मैंने लगाई थी वो कटिंग वाली जो मुसुंडा है वो भी अब फ्लावरिंग कर रहा है। गंधराज में भी फूल नहीं आया है, ये भी कटिंग से लगाया गया था, आपको याद होगा। सॉरी दोस्तों, ये गंधराज ईयर लेयरिंग से मैंने आपको शेयर की थी। बिगुनिया की हालत देखो, ये किस तरह से इसके डंठल बहुत कमज़ोर होते हैं, पूरे के पूरे टूट के नीचे गिरे हुए हैं, सबको हटाने पड़ेंगे। इस तरह से मैं आपको लेते हुए पूरे बगीचे की सैर करवा दे रही हूँ, कितना हालत इसका ख़राब है। देखो फ्लावर पर बारिश होने से किस तरह से नीचे की तरफ झुक गया है, अब बारिश की बूंदें अभी भी इस पर पड़ी हुई है। वो पौधे खुशनसीब होते हैं जो अंदर में छुपा के रखे जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ पौधे को छुपा कर रखे थे तो उनकी हालत बेहतर लग रही है। दोस्तों, कभी कभी बारिश का अच्छा भी लगता है, कभी बहुत ज़्यादा परेशानी भी होता है। और इसी ओवरव्यू में मैं आपको फिर से एक बार अपना बोर्ड भी दिखला दे रही हूँ, क्योंकि अभी कल एक फ़ोन आया था जिसमें वो चाह रहे थे कि कहाँ पर आपका बोकारो गार्डन है, मैं आकर देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ।
तो अभी भी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जो इधर से आएंगे गुजरेंगे उन्हें ही ये बोर्ड दिखाई देगा ना, ये बोर्ड तो चल के वहाँ तक जाएगा नहीं। तो इस तरह से आप देख लो कि क्या हालत है। इसमें मैंने सीडलिंग करी हुई थी, तो देखो सीडलिंग का क्या हालत हो गया। गमले गिर कर टूट गए थे, मैंने प्लांट तो उसमें से निकाल लिए हैं, दूसरे जगह लगा दी हूँ, लेकिन गमले की हालत आप देख रहे हो क्या हालत है। कभी कभी ये सब भी झेलना पड़ सकता है आपको। सीडलिंग वगैरह की हुई थी, जो नन्हे नन्हे पौधे थे उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। देखो इधर पूरे के पूरे ये फैले हुए हैं, नन्हे सा निकलता हुआ पौधा जिसके पत्ते देखो किस तरह का अभी नए नए निकल रहे हैं। यहाँ पर सारे मेरे पाम रखे गए हैं, मैं पाम के तरफ से लेकर आपको गुजर रही हूँ। यहाँ इधर इस साइड में कैक्टस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और नीचे आप जमीन पर भी ध्यान दे दिया देना कितनी गंदगी फैल गई है। दिखलानी तो नहीं चाहिए, लेकिन कितने काम बढ़ जाते हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। देखो ये सारे सॉयल उसमें से निकल कर, गमले से निकल कर सारे सॉयल जमीन पर नीचे की तरफ आ गए हैं। जब बारिश होगी तो ये भी होगा, सारे के सारे इधर आकर लग गए हैं। फर्न वगैरह है, ये जो ट्यूबलाइट में मैंने आपको पौधे लगा के दिखाए थे वो पौधे इस तरह के हो रहे हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं अपना जो प्लांटर मैंने खुद से बनाई थी, इसको आपको शेयर भी किया था। उसकी कल मैंने गुराई करके सब इसको साफ़ किया है, और कल ही बारिश इतनी तेज़ हुई पूरे के पूरे भर गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मेरा अंजीर का पौधा दिख रहा होगा। अंजीर की मैंने एयर लेयरिंग करके भी प्लांट बनाई है, उसकी वीडियो भी मुझे आपसे शेयर करनी है। इधर डायबिटीज वाला पौधा है, और चिल्ली देखो इस तरह से, चिल्ली तो अभी ढेरों इसमें फले हुए हैं, लेकिन सारे के सारे जो इसमें फूल लगे हुए थे वो सारे फ्लावर्स इसके झर गए हैं, और अभी लगता है कुछ दिनों तक फिर वो नहीं हो पाएंगे। एक डाल इसका देखो इधर की तरफ बढ़ के आ गया है। ये बैठने के लिए जो टूल था उल्टा करके रखा हुआ था, इसलिए इसमें पानी भर गया। यहाँ टब में पानी भर गया है, बरसात का पानी है, इसे मैं सेव करके रख लूँगी, आप भी रख ले सकते हो। बरसात का पानी पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चंदन तुलसी से लेते हुए इधर आप देख लो इसको, ऐसे मैं सीधे घुमाते हुए चल रही हूँ। दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है जब बारिश से सफाई हो जाती है, देखकर इतना आनंद आ रहा है। अभी यहाँ मेथी का पौधा है, तो दूर दूर में आपको वहाँ गोभी और भी आगे जाकर आपको टमाटर दिखाई दे रहे होंगे, मूली धनिया सभी लगे हुए हैं, पालक भी लगे हुए हैं, बैंगन का पेड़ भी इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये मेरा ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन है, और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप अपने ही उपजाए हुए सब्जी का उपयोग करते हो तो उसकी बात ही निराली होती है, बहुत आनंद आता है उसको खाने में। अब कुछ पौधे यहाँ फ्लावरिंग करने पर आए हुए थे, तो उनको भी शेयर करते हुए मैं आगे बढ़ते चली जा रही हूँ। कुछ सीडलिंग्स यहाँ करके रखे हुए थे सीड बनने के लिए। एक बारिश हो जाती है, आपको पता भी नहीं रहता है कि बारिश होने वाली है, और इस हालत में आपका बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है, लेकिन प्रकृति पर तो हमारा कोई चलता नहीं है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। ये एंथोडियम मेरी ग्रीन वाली है, चिनार का पौधा,
साथ ही ये हर श्रृंगार का दोस्तों मैंने आपसे शेयर की थी कोरिएंडर धनिया को कैसे लगाएं और किचन के जंगले पर रखे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किचन के जंगले पर मैंने इसे रखा है, हालांकि ये अभी काटकर बनाने लायक नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने बरसात में मेरे गार्डन की क्या हालत है आपसे शेयर की है। बहुत सारे काम, नए नए काम आ गए हैं, उनको मैं चलकर करूँगी और यहीं पर मैं आपसे बिछड़ रही हूँ। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।